हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाफिंग गॉड। मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से एक परफेक्ट बुलियन स्ट्रिंग बनाई जाए, कैसे एक सूटेबल कैंडिडेट सर्च किया जाए एक बुलियन सर्च स्ट्रिंग से। सो इस वीडियो के मैं दो पार्ट्स बनाऊंगा। एक इस पार्ट में मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन के, और सेकेंड पार्ट में मैं एक टफ सा जॉब डिस्क्रिप्शन लूंगा और उससे आपको स्ट्रिंग बनानी सिखाऊंगा। सो इस वीडियो में मैं एक सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे हम एक परफेक्ट बुलियन स्ट्रिंग बना सकते हैं, एक सूटेबल कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपके प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कि कैसे हम इसे समझेंगे और कैसे हम इससे स्ट्रिंग बनाएंगे। सो सबसे पहले हमने अपना मॉन्स्टर लॉग इन किया, ये है मॉन्स्टर का होम पेज, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, बिजनेस एनालिस्ट एट डैलस टेक्सास। हमें एक बिजनेस एनालिस्ट सर्च करना है डैलस में। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन को समझते कैसे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शंस बिटवीन द एप्लीकेशन सपोर्टेड एंड इंटरफेसिंग एंड डिपेंडेंट एप्लीकेशंस। बेसिकली ये जो चीज़ें लिखी हुई है, ये जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट के लिए जिसे हम सर्च करने वाले हैं, मतलब ये कैंडिडेट्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो अगर हमसे कैंडिडेट फ़ोन पे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, या कंपनी क्या चाहती है कि कैसा कैंडिडेट हो, तो हमें उसे ये सब बताना है कि कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है। अब क्योंकि हमें एक सॉलिड स्ट्रिंग बनानी है कैंडिडेट को सर्च करने के लिए, तो हम ध्यान देंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम दो चीज़ें लिखी हुई हैं, डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों चीज़ें हमारे मतलब की हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अदर रिलेटेड फील्ड। मतलब कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या किसी में भी हो रिलेटेड फील्ड में, या रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। सो बेसिकली ये हमें अपने स्ट्रिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वन इज़ टाइपिकली हैज़ 5 to 10 years ऑफ रेलिवेंट टेक्निकल और बिजनेस वर्क एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू नेगोशिएट स्पेक्स, इलस्ट्रेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस डिसिप्लिन्स। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमें अभी डालना हो। देन इंश्योरेंस एंड पीएमओ नॉलेज एक्सपीरियंस इज अ प्लस। अब हमें यहाँ पर आया इंश्योरेंस एंड पीएमओ नॉलेज एक्सपीरियंस इज अ प्लस, मतलब हमारे मतलब की चीज़ है इंश्योरेंस एंड पीएमओ नॉलेज। अब हम अपनी स्ट्रिंग में इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ फॉर्म्स जनरेशन टूल्स सच एज एक्सप्रेशन इज अ प्लस। सेकेंड वन इज फॉर्म्स जनरेशन टूल्स। कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए फॉर्म्स जनरेशन टूल्स की। उन कौन से टूल्स होते हैं, उनमें से अगर उसके पास एक्सप्रेशन है तो वो एक प्लस होगा, मतलब जिस कैंडिडेट के पास एक्सप्रेशंस का एक्सपीरियंस होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। देन प्रायर वर्किंग एक्सपीरियंस विद एन ऑफशोर वेंडर मॉडल इज अ प्लस, मतलब कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो पहले काम कर रखा हो उसने ऑफशोर वेंडर के साथ। सो इसमें ये भी हमारे स्ट्रिंग में कुछ इससे डालने की कोई खास जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स 5 to 10 years ऑफ रेलिवेंट टेक्निकल और बिजनेस वर्क एक्सपीरियंस, पहले भी लिखा हुआ था, इंश्योरेंस बैकग्राउंड हमने देख लिया, वर्किंग नॉलेज ऑफ फॉर्म्स एक्सप्रेशन इज अ प्लस, अगेन सेम वर्किंग ऑफ ऑफशोर, लार्ज अकाउंट एक्सपीरियंस, कैजुअल्टी एक्सपीरियंस। सो अब हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, पहला इंश्योरेंस, पीएमओ, फॉर्म्स जनरेशन टूल्स, एक्सप्रेशन और
कैजुअलिटी, ये चार पांच चीजें हमारे पास आ गई हैं। और हमें सर्च क्या करना है, एक बिजनेस एनालिस्ट जिसके पास ये सब चीजों का एक्सपीरियंस हो। तो चलिए अब हम स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं। पहला हमें चाहिए बिजनेस एनालिस्ट, तो हम अपना ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, सेमी कॉलन सॉरी डबल ब्लेसेस, और सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इसको फिर बंद कर देंगे। और बिजनेस एनालिस्ट को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, सो हम यहां लिखेंगे और बी ए और बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट, अगेन बंद, और बी एस ए, यहां पे हम इसको लगा देते हैं और इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है लेकिन ठीक कर लेते हैं। ओके, सो हम इस तरीके से बिजनेस एनालिस्ट को लिख सकते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट और ये टाइटल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं कई टाइटल्स। और अगर कोई हमारा रेयर स्किल सेट हो तो हम इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिख सकते हैं और में, लेकिन फिलहाल हम एक सिंपल सर्च डाल के देखते हैं बिजनेस एनालिस्ट की। अब हमें बिजनेस एनालिस्ट के साथ स्किल्स क्या चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल ब्रेसेस सॉरी कॉलम, और यहां देखते हैं हम उसे चाहिए इंश्योरेंस बैकग्राउंड। सो सिंपली हम यहां लिख सकते हैं इंश्योरेंस, ओके। अब अगर हमें बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना है तो हम इंश्योरेंस लिखे या तो, या फिर इससे भी ज़्यादा बेटर यह रहेगा कि हम कुछ इंश्योरेंस की कंपनीज के यहाँ पर नेम लिखते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि बंदे के पास एक्सपीरियंस होगा किसी इंश्योरेंस डोमेन की कंपनी में काम करने का। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी से कुछ कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं, जैसे स्टेट फार्म एंड नेशन वाइड ट्रैवलर अमेरिकन फैमिली, ये कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि वो कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी इन इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया होगा, जिसका मतलब होगा कि बंदे के पास इंश्योरेंस डोमेन का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वन अगेन एंड ब्रैकेट स्टार्ट, नेक्स्ट स्किल क्या है, फॉर्म्स और एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले हम यहां एक्सप्रेशन ही उठा लेते हैं और यहां पर डालते हैं इसमें, एक्सप्रेशन और, क्योंकि ये था क्या, ये था फॉर्म्स जनरेशन टूल। सो हम फॉर्म्स जनरेशन टूल भी यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर किसी बंदे ने इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगेन इसे इसमें और ब्रैकेट बांध। अभी हम फिलहाल सिंपल ऑल ओवर यूएस सर्च करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही एक सॉलिड स्ट्रिंग बनाई है, तो बहुत चांसेस हैं कि इससे बहुत कम बंदे ही आएंगे। सो लेट्स सर्च, ओके चलिए 20 मैचेस आए हैं इसके। अगर हम इसमें जिप कोड डाल देते तो शायद एक भी बंदा नहीं मिलता, तो इसको हम देखते हैं।
ओके सो अब ये देखिए, एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन कमर्शियल एंड पर्सनल इंश्योरेंस प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट फार्म, मतलब इसने स्टेट फार्म के इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। फॉर्म्स जनरेशन इसके पास है, अब ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो हमने डाला हुआ है वो सब है। ओके सो अब ये देखिए, बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट, हमने बिजनेस एनालिस्ट चाहिए था। नेशन वाइड इसने इन इन कंपनीज में काम किया हुआ है। सो देख सकते हैं आप हमारा कितना परफेक्ट मैच है ये। द नेक्स्ट वन एक और निकाल के देखते हैं। सी 41% मैच, बिजनेस एनालिस्ट, फॉर्म्स जनरेशन, हम कंट्रोल एफ करके देखते हैं कि क्या इसके पास एक्सप्रेशंस का एक्सपीरियंस है। ओके इसके पास फॉर्म्स जनरेशन का एक्सपीरियंस है, सो स्पेसिफिकली एक्सप्रेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही फॉर्म्स जनरेशन वहाँ पे स्ट्रिंग में डाल दिया था, बिकॉज अगर सिर्फ मैं एक्सप्रेशन डालता तो ये कैंडिडेट नहीं निकलता इसमें। सो शायद आपको पता चल गया होगा अब तक कि कैसे सर्च करना है और कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, और परफेक्ट मैच लाने के लिए हमें डोमेन से रिलेटेड कंपनीज को स्ट्रिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, अभी मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखा देता हूँ। ओके तो यहां पर डाला था हमने, मैं कंट्रोल वी कर दिया है। अभी हम इसमें से अपनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज के नेम्स रिमूव कर देते हैं। ए और यहां पे हम सिर्फ इंश्योरेंस लिख देते हैं, इंश्योरेंस एंड। सो अभी आपने देखा था कि सिर्फ 20 रिजल्ट्स आए थे और अभी आप देख रहे हैं 54 रिजल्ट्स आ गए, मतलब बंदों को नॉलेज हो गई इंश्योरेंस की, लेकिन हो सकता है उन्होंने इतना काम ना किया हो या स्पेसिफिकली इंश्योरेंस डोमेन में काम ना किया हो, इसलिए ज्यादा रिजल्ट्स आ गए हैं। ऐसे ही अगर हम चीजों को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, चीज़ों को कम करते जाएंगे, वैसे ही रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये आपने सीखा कि हमने कैसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन को समझा, कैसे उससे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, और कैसे हमारे रिजल्ट डिफर करते हैं, कैसे रिजल्ट वेरी करते हैं अगर हम स्ट्रिंग के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करेंगे, उसमें हम टिपिकल या उसमें हम स्पेसिफिक वर्ड्स डालेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे, उससे हमारा रिजल्ट कैसे वेरी करेगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ।